वेलकम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 टू 6 ठीक है 1 2 3 4 5 6 में हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 12 हैं तो मैंने 6 6 के टू पार्ट मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाला हुआ है उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में लाके दे दूंगा वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है तो देखिएगा सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मैंने आपसे बोला है कि जिसकी भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे उसको उस तरफ ही रखा रहने देते हैं और सभी को वैल्यू हम एक साइड लेकर जाते हैं। ठीक है जो आपका वेरिएबल है उसको एक साइड रखेंगे और सभी को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे। अगर इस क्वालिटी को दूसरी साइड लेकर जाते हैं अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का हो जाएगा डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या है। x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन क्लियर। देखेंगे x का मुझे फाइंड करना है तो x को हम लोग यहीं पर रखेंगे। ठीक है सेवन आपका ऑलरेडी यहां पर है मैं माइनस टू को इस तरफ लेके आया इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आया तो देखिए माइनस टू था इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का टू क्लियर। सेवन और टू नाइन बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपने यहां पर सॉल्व किया नाइन क्लियर। अगला देखते हैं वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन। मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने वाई को इधर ही रखा ये आपका टेन था। ठीक है इसको मैं इस तरफ लेके आया थ्री को थ्री किसका था प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। टेन में से थ्री गया आपका क्या बचेगा सेवन क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं सिक्स इजकल टू जेड प्लस टू। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है जेड की तो देखेंगे इसमें वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड साइड पर थे इसमें वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड पर है। ठीक है कोई बात नहीं तो जेड की वैल्यू निकाले तो जेड को मैं यहीं पर रखा रहने देता हूं और सभी को इस तरफ लेके आता हूं। देखिए वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है राइट साइड पर हो सकता है जहां पर है उसको वहीं पर रखा रहने दीजिए और सभी को दूसरी तरफ हम लेकर आएंगे। देखिए तो यहां पर जेड था जेड को यहीं रखा रहने दीजिए सिक्स आपका यहां पर पहले से है। ठीक है ये देखेंगे टू आपका किसमें था पॉजिटिव में था इधर लेके आएंगे किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है सिक्स में से टू गया आपका फोर बचेगा और जेड का आप देखेंगे जेड होगा बस आप क्या करेंगे इसका आंसर निकाल देंगे क्लियर हो गया। चलिए इसको देखते हैं थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है एक्स की तो एक्स को हम इधर ही रखा रहने देते हैं। ठीक है यहां पर आपका क्या है सेवनटीन बाई सेवन क्लियर। इसको हम क्या करेंगे इस तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये आपका पॉजिटिव का है तो यहां किसका आ जाएगा नेगेटिव का क्लियर हो गया। एक्स इक्वल टू यहां पर देखेंगे 17 में से आपका 3 जाएगा 14 बचेगा 14 बाई 7 इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू क्या निकल गया आएगा 2 तो एक्स इक्वल टू क्या आया आपका 2 तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। फोर्थ आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या है। 6x इक्वल टू 12 देखेंगे ये 6x आपका मल्टीप्लाई में है 6 इंटू एक्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स इक्वल टू 12। ठीक है जब भी वेरिएबल के साथ में कोई भी आपका कोफिशियंट दिया जाता है और वहां पर कोई साइन नहीं है बीच में तो आप देखेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है x को मैं यहीं रखूंगा 12 आपका पहले से यहां पर है कोई बात नहीं ये 6 आपका मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा आपका डिवाइड में मैंने बोला है प्लस का होगा तो माइनस में जाएगा माइनस का होगा तो प्लस में जाएगा मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में जाएगा डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है तो एक्स इक्वल टू सिक्स बन जाए सिक्स सिक्स टू या ट्वेल्व तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका टू क्लियर हो गया। चलिए इसको देखते हैं टी वाई फाइव इक्वल टू टेन। मैंने प्यारे बच्चों आपसे बोला था बार बार वही चीज मैं रिपीट करूंगा ठीक है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि टी वाई फाइव इक्वल टू टेन है मुझे वैल्यू वेरिएबल क्या है आपका टी है तो मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है।
यहां पर आपका 10 था, मैंने आपसे क्या बोला था, देखिए इसको 10 कर लीजिए चाहे 10 बाई 1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला था माइनस है तो प्लस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे जाएगा, उल्टा होगा यहां पर। तो ये आप देखेंगे नीचे है तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, वन लगाने से नीचे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये नीचे है तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर तो पहुंच गया, अब प्लस में जाएगा कि मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा, देखिएगा नीचे है तो ऊपर पहुंच गया, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखेंगे ये किस में है, मान लीजिए कोई हम लिख दें 1/2, तो ये आपका डिवाइड में होता है, इसमें होता है डिवाइड में, ये किस में होता है डिवाइड में, अगर ये डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में, तो यहां हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, क्लियर। तो टी इक्वल टू 10 × 5 = 50, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइएगा कितना आसान था ये, एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और कंसेप्ट आपका वही चलेगा, मैंने बोला आपको LHS से अगर हम RHS की तरफ आएंगे तो साइन में चेंजेस आएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है प्लस, मल्टीप्लाई है डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, बस यही आपको करना है। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे भी है, साइन भी आया यहां पर, तो नीचे था ऊपर लेके आई, यहां पर देखेंगे इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, नीचे था ऊपर लेके आई, देखिए ये ऊपर है, ठीक है, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आया। बताइए कहीं भी आपका कोई चेंज नहीं आएगा, मैंने बोला जो कंसेप्ट मैं बताता चलूं बस उसको आपको देखना है, पूरा चैप्टर आपका यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 to 6 यहां पर हुए, नेक्स्ट वीडियो में 6 to 12 सॉरी 7 to 12 लेकर मैं आऊंगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।